दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आसमान का सबसे दर्दनाक शिकारी कौन है और जमीन का सबसे खौफनाक राजा किसे माना जाता है? ये दोनों किस तरह से अपने शिकार पर बेरहमी से हमले करते हैं? अगर इनका सामना एक दूसरे से हो गया तो कौन सा तूफान आएगा? इनके अलावा आज हम आपको मासूम जानवरों की ऐसी दर्दनाक मौत दिखाएंगे जिन्हें देखकर आपकी रूह भी कांप उठेगी। तो अगर आप इन बेरहम शिकारियों के बारे में नहीं जानते तो चलिए आज हम आपको बता ही नहीं बल्कि दिखाई दे रहे हैं। इनमें से एक खूंखार शिकारी का नाम है ईगल, जो आसमान की दुनिया के साथ जमीन पर भी राज करता है और मिनट से पहले अपने शिकार को दबोच लेता है। और जो दूसरा बेरहम शिकारी है उसका नाम है नागराज। ये दोनों एक दूसरे को तो अपने हमलों का मजा चखाते ही हैं, साथ ही ये दूसरे जानवरों को भी लपेट लेते हैं। नंबर एक, सांप वर्सेस चिड़िया। ये चिड़िया जितनी मासूम दिखती है उतनी असल में होती नहीं है। इनके साइज और इनकी मासूमियत पर तरस खाने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये तलवार से भी तेज चोंच से अपने शिकार पर ऐसे हमला करती है कि बस शिकार की तो हवा टाइट हो जाती है। ये नागराज यहाँ चिड़िया के घोंसले पर दांत गड़ाए हुए हैं और देखिए कैसे इन घोंसले के अंदर छुपे हुए बच्चों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। इस सांप की हिम्मत तो देखिए, माँ बाप के सामने ही बच्चों को खाने की कोशिश कर रहा है। सांप की इस नीयत को देखकर मम्मी बर्ड को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने हमलों की बौछार करना शुरू कर देती है। जब ये सांप जमीन पर पहुंचता है तो ये बर्ड मम्मी उसके पीछे पीछे जमीन पर चल देती है और फिर दोनों में मुक्केबाजी का खेल शुरू होता है। ये सांप तो लगता है बर्ड मम्मी से डर रहा है, इसलिए तो अपना मुंह छुपाकर इधर उधर घूम रहा है। लेकिन ये कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन आज ये बर्ड इसको नहीं छोड़ेगी और देखिए कैसे इस बर्ड ने सांप के मुंह को अपने मुंह में दबोच लिया और सांप का मुंह जख्मी कर रही है। लगता है आज तो इस दुनिया से एक सांप और कम हो ही जाएगा। नंबर टू, चील वर्सेस सांप। ये चील भी बड़ी ही खतरनाक होती है। एक बार यमराज आपको जिंदा छोड़ जाएंगे, लेकिन चील के शिकंजे से बच निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यहां इस चील ने इस सांप को अपना निशाना बना लिया है और बड़ी ही पैनी नजरों से इसे घूरे जा रही है। और फिर जब इसका निशाना पक्का हो जाता है तो ये उस पर चढ़ाई कर देती है। और जैसे ही सांप इसको अपनी तरफ आते हुए देखता है, वैसे ही उसे अपनी मौत दिखाई देने लगती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इसे देखकर सांप अपनी जान बचाकर भागने लगता है, लेकिन अचानक ये शैतान चील उसके सामने प्रकट हो जाती है। पर इस बार सांप इससे डरता नहीं है बल्कि इस पर हमला करने लगता है और ये चील उसके खौफनाक हमलों से बचने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन इस बार सांप हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लगता है ये चील आज इस सांप को दुनिया से रवाना कर ही देगी। ये देखिए, सांप ने चील पर एक दर्दनाक हमला कर दिया है और उसके पैर को सीख कबाब समझकर उसे अपने मुंह में दबोच लिया है और छोड़ने का तो नाम ही नहीं ले रहा। इसके इस खौफनाक हमले से चील का तो हाल ही बेहाल हो गया है। लेकिन आखिरकार ये चील सांप को अपना लंच बना लेती है और नोच नोच कर खा जाती है। वाकई चिड़िया छोटी हो या बड़ी, इस फैमिली के सारे मेंबर ही जानलेवा हैं। आगे ऐसी वीडियोस देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर थ्री, बकरी वर्सेस गरुण। ये ईगल आज तो किसी शिकार पर हाथ मारने के इरादे से ही घूम रही है और देखिए कैसे तरसी हुई आंखों से चारों तरफ नजर मार रही है कि अब बस कोई भी हाथ लग जाए। तभी इस ईगल को एक बकरियों का झुंड दिखाई देता है जो पहाड़ी इलाके में आराम से टहल रही थी। जैसे ही इन बकरियों ने ईगल की लालची आंखों और तेज रफ्तार को देखा, वैसे ही ये सब भागने लगी। इन झुंड की एक बकरी बहुत ही दमदार थी। उसने ईगल से डरकर भागने की बजाय उस पर हमला करने का सोचा, इसलिए पहले तो ये ईगल को अपना निशाना बनाती रही और जब ईगल एक पत्थर पर आकर बैठ गई तो उस पर इस बकरी ने चढ़ाई कर दी। ईगल इतनी आसानी से इसके हाथ कैसे लग जाती,
वो भी इसके हमलों से बच निकली। ये बकरी इसके पीछे पीछे भागती रही, लेकिन इसकी सारी मेहनत पानी में चली गई और ये ईगल फुर्र हो गई। अब ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, क्योंकि लड़ाई तो तब खत्म होती है जब दो दुश्मन में से एक दुनिया को छोड़कर चला जाता है, लेकिन यहां तो अभी दोनों ही जिंदा हैं। ईगल ना तो कभी अपने शिकार को जिंदा छोड़ती है और ना ही कभी अपना बदला अधूरा रहने देती है। इसलिए इस ईगल ने दोबारा इस बकरी पर हमला कर दिया और उसे दोनों सिंगों से पकड़कर पहाड़ की चोटी से सीधा नीचे का रास्ता दिखा दिया। ये बकरी बड़ी ही बुरी तरह से नीचे जाकर गिरी और वहीं मर गई। वाकई ये ईगल बड़ी ही खतरनाक होते हैं। अगर इसका कोई शिकार नहीं बनता तो उसे दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। नंबर 4, गरुड़ वर्सेस सांप। यहां तो भाई ईगल ने बिना वक्त गवाए ही सांप पर झपट्टा मार दिया और तुरंत ही उसे अपने पंजों में दबोच लिया। सांप भी इसके सामने अपने घुटने टेकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, इसलिए देखिए कैसे ये ईगल पर हमला कर रहा है और ईगल को अपने जहर का मजा चखाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन इसकी ईगल के सामने एक नहीं चलने वाली है। अब इस दर्दनाक शिकारी ने अपना असली रूप धारण कर लिया है और ईगल ने सांप को अपनी चोंच से नोचना शुरू कर दिया है और देखिए कितनी बेरहमी से इसके साथ चीरफाड़ कर रहा है। सांप को तो ये ईगल ऐसे खा रहा है जैसे इसके हाथ कोई स्वादिष्ट डिश लगी हो। वैसे ईगल को सांप खाना बहुत पसंद होता है, इसलिए इन दोनों में अक्सर जंग छिड़ी रहती है। आगे ऐसे दर्दनाक और खौफ से भरे हमले के लिए वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। नंबर 5, कठफोड़वा वर्सेस सांप। अगर किसी शिकारी को लालची का अवार्ड मिलता तो इसमें सबसे पहले सांप को ही दिया जाता अवार्ड, क्योंकि जब ये चिड़िया के बच्चों पर हमला बोलता है तब उनकी मम्मी घर पर नहीं होती। यहाँ वुड पिकर मम्मी अपने छोटू छोटू बच्चों के लिए खाना ढूंढने के लिए जा रही है, लेकिन जैसे ही ये बात सांप को पता चली, सांप ने इस मौके का फायदा उठाने की सोची और वुड पिकर के बिल में घुस गया। जब वुड पिकर मम्मी घर वापस आती है तो वो देखती है कि कोई चोर उनके घर के अंदर छुपकर बैठा है, इसलिए वुड पिकर मम्मी उस पर अपनी चोंच से हमला करना शुरू कर देती है, जिससे ये सांप और अंदर घुस जाता है। इसके थोड़ी ही देर बाद वुड पिकर इसके रास्ते से हट जाती है और छुपकर पीछे बैठ जाती है। रास्ता साफ देखते ही ये सांप बिल से बाहर आ जाता है और जैसे ही ये बाहर एंट्री करता है वैसे ही वुड पिकर इस पर टूट पड़ती है। लेकिन इसका नाम भी नागराज है, ऐसे कैसे हार मान लेता। ये एक ही झटके में वुड पिकर की गर्दन अपने मुंह में दबोच लेता है और बुरी तरह उसे पकड़ लेता है। ये वुड पिकर अपनी चोंच की मदद से अपनी जान छुड़ा लेती है और इसके चुंगल से बचकर भाग निकलती है। नंबर 6, अजगर। आज तो नागराज ने बड़ा ही तगड़ा हाथ मारा है और देखिए किसी पक्षी का अंडा अपने मुंह में दबा लिया है। जितना बड़ा इसका मुंह नहीं है उससे बड़ा तो ये अंडा है, लेकिन नागराज को तो सब हजम है, इसलिए देखिए कैसे शांति से इस अंडे को अंदर निगलने में लगे हुए हैं कि बस एक बार अंदर चला जाए पर तो हजम हो ही जाएगा। वाकई ये सांप बड़ा ही बेरहम है, बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही उसे इस दुनिया से रवाना कर दिया। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? वैसे आपको इनमें से कौन सा हमला सबसे जानलेवा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको समय पर मिल सके। दोस्तों आपके स्क्रीन पर दो और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें।